हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संतोष किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम बाजार जैसी चाउमीन। बाजार जैसी चाउमीन घर पे किस तरीके से बनाएं, आइए देखते हैं। सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट तैयार कर लेंगे। चाउमीन का मसाला ले लेंगे, शेज़वान की चटनी लेंगे, सोया सॉस लेंगे, काली मिर्च, चीनी, नमक, लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। अब सबसे पहले हम लोग चाउमीन के लिए एक भगोना लेंगे और उसमें थोड़ा पानी गर्म करेंगे और उसमें हम लोग अपने चाउमीन को उबालने के लिए रखेंगे। चाउमीन उबालते समय इसमें हम लोग थोड़ा तेल डालेंगे जिससे हमारी जो चाउमीन है वो एक दूसरे से चिपके ना। निकालने के बाद भी इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम लोग रिफाइंड लेंगे, इसमें हम लोगों ने जो लहसुन काट के रखा था वो डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लोगों ने जो प्याज काट के रखा था प्याज को डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद इसमें हम लोग मिर्ची डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम लोगों ने जो सब्जियां काट के रखी थी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, उसको डाल के अच्छे से चला लेंगे, जैसे कि जितना भी जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाए और मुलायम हो जाए। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। एक चम्मच के आसपास में हम चीनी डालेंगे जिससे हमारा जो स्वाद है बैलेंस अप रहे, और एक चम्मच के आसपास हमने इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच के आसपास सोया सॉस डालेंगे। नमक हम लोग सोया सॉस के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा शेज़वान चटनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब ये मिक्सचर पक जाए अच्छे से तो इसमें हम लोग अपनी चाउमीन डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाएंगे जैसे हमारी जो चाउमीन है वो टूट ना जाए। सेम इसी तरीके से आप दो चमचे का यूज़ करके भी अच्छे से चला सकते हैं। अब इसमें हम चाउमीन मसाला डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। तो इसी के साथ हमारी चाउमीन हो गई एकदम रेडी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।